बैक टू माई चैनल। आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। मैं व्लॉग बना के रखी जा रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही, डाल नहीं पा रही, काम में बिजी हो गई यार। एक्चुअली कॉलेज शुरू हो गया है तो असाइनमेंट्स ड्यू होते हैं, पढ़ना पड़ता है। अभी तक मेरी इंडिया सीरीज के व्लॉग ख़त्म नहीं हुए, फटाफट इंडिया वाली सीरीज ख़त्म करते हैं एंड बैक टू न्यूयॉर्क वाली सीरीज दोबारा से शुरू करते हैं। तो इससे पहले के भी दो व्लॉग्स हैं, जब ऑफकोर्स मुझे 2 महीना तो हो ही गया अभी आए हुए, तो उसमें 2-3 व्लॉग्स तो मैं बना चुकी थी जो घूमा। अब आज दिस इज गोना बी आई गेस द 3rd व्लॉग जो मैं बना के रख रही हूँ, जब टाइम मिलेगा तब अपलोड करूँगी। तो एक्चुअली है कि यहाँ पे है लॉन्ग वीकेंड, 4th of July विच इज़ द इंडिपेंडेंस डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लास्ट टाइम 4th of July पे मैंने फायरवर्क्स दिखाए थे, अगर आप लोग ने वो वाला व्लॉग नहीं देखे 1 साल पहले का तो देखिए, बहुत सुंदर फायरवर्क्स थे। इस लॉन्ग वीकेंड 4 छुट्टियाँ इकट्ठे आ गई, तो हम जा रहे हैं अपस्टेट न्यूयॉर्क घूमने एंड वी आर गोइंग टू लेक जॉर्ज। बहुत ऐसे अच्छी फिंगर लेक सी है, हमने वहाँ पर बहुत अच्छा B&B बुक किया है, 5-6 फ्रेंड्स हैं। तो आज है सैटरडे, बस निकलते हैं, हमने कार रेंट की है, आई थिंक 4 to 5 आवर्स का ड्राइव है, पहुंचते हैं वहाँ पे एंड आपको भी लेक जॉर्ज दिखाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार यहाँ पे एकदम से ही, तो जब मैं आई थी तब एक 1.5 महीना बहुत अच्छा मौसम रहा, बहुत प्लेजेंट था, ऐसे 18-19 डिग्री, बट अब एकदम से ऐसा 30 डिग्रीज हिट करी है तो काफ़ी गर्मी हो गई है यहाँ पे भी। बस निकलते हैं, 10:30 हो गए हैं सुबह एंड एक्चुअली एक और टॉपिक जो मुझे मिला वो था यहाँ के रेंट्स कितने हाई हो चुके हैं। मैंने भी एक्चुअली अभी लीज जो है वो रिन्यू किया, तो आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द रेंट्स एज वेल यहाँ पे, उसका एक अलग से नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। मुझे कह रहा है 2 दिन के हिसाब से ज्यादा सामान नहीं हो गया, मैं कह ठीक है ना भाई, सेफर साइड सामान एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। अंकुर गाड़ी लेके खड़ा है, वेट कर रहा है हमारी। 11 बजे हम निकल पड़े हैं लेक जॉर्ज के लिए एंड आई थिंक इट्स गोना टेक अनदर 4 to 5 आवर्स। ढाई घंटे की ड्राइव के बाद अब हम कहीं पर रुके हैं कुछ फूड खाने पीने, कॉफ़ी लेने, बिकॉज इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड जहाँ हम अभी रुके हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रश ऑलरेडी है, बिकॉज ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड है, सब घूमने निकले हुए हैं, तो जो ये ऐसे फूड जॉइंट वाला स्टॉप है वहाँ पे इट्स लाइक टू मच क्राउडेड। प्लस चिकफिले की लाइन तो इतनी ज़्यादा लंबी थी, तो हम स्टारबक्स से कुछ फूड उठाते हैं, स्टारबक्स की भी एक्चुअली बहुत बड़ी क्यू है, तो खाते हैं एंड फिर निकलते हैं। एंड इन टोटल अब हमारा रास्ता रह गया है आई थिंक अनदर लाइक 2.5 आवर्स में। यार लिसन, मैं कभी कभी सोचती हूँ जैसे ये ऐसा न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन का ऐसा मग है, ऐसे क्या अपने इंडिया में दिल्ली विल्ली या किसी और जगह के भी होते होंगे? हैं गोवा के तो होते होंगे। न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन ये सब इस पे से लिखा हुआ है, ऐसे क्या इंडिया में तुमने कभी स्पेसिफिकली किसी जगह के देखे ऐसे मग्स? स्टारबक्स पे लाइन तो छोटी थी बट कुछ खाने को ऐसा सच मिला नहीं, कॉफी ले लिया है, सैंडविच है, अभी ऑप्शन है यहाँ पे बट क्यू बहुत बढ़िया है, तो ठीक है अब जो है उससे काम चला लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा क्यू में लगने का ना टाइम है ना मन है। सो बस कॉफी वॉफी, वील जस्ट ग्रैब कॉफी एंड ऑन वे कुछ और देखते हैं मिलता है तो। यार पता नहीं क्या चक्कर है, मैं जितनी बार भी अपना नाम स्पेल कर लूँ, ढंग से प्रोनाउंस कर लूँ, कभी सही नहीं आता। आज तो आज क्या लिखा है इन्होंने, अभी तक का सबसे बेस्ट तरीके से लिखा है ये इयान भी, कहीं कहीं टैन भी लिखते हैं, कहीं टैम भी लिखते हैं, कहीं एक ने तो पता नहीं क्या डैन भी डैन भी क्या क्या लिखा है। अब आज का वो सोबर इयान भी हो गया 4:37 एंड हम ऑलमोस्ट बस अपने Airbnb के पास पहुंच गए हैं। बस बीच में हमने एक स्टॉप लिया है वॉलमार्ट के स्टोर पे एंड इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम, पहले कभी वॉलमार्ट के स्टोर पे आई नहीं हूँ, हमेशा ऑर्डर ही करते थे सामान, तो जाके देखते हैं। मैंने सुना है वॉलमार्ट पे बहुत सही सही चीज़ें मिलती हैं और स्टोर पे आना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है,
तो बस छुटपुट सामान उठाते हैं, थोड़ा सा एक दो दिन का ग्रोसरीज एंड ऑल, फिर जाते हैं अपने बीएनबी चेक इन करते हैं। अच्छे बच चुके हैं वॉलमार्ट से सामान दे के। हम अब आधे घंटे का ड्राइव करके एक जगह पे रुके हैं, दैट इज स्टिक्स एंड स्टोन्स, एंड यहाँ पे बहुत फेमस पिज्ज़ा है। तो खाना खाते हैं, बिकॉज सुबह से ब्रेकफास्ट किया था और अब ऐसी भूख लग रही है। बीएनबी हमारे यहाँ से सिर्फ 15 मिनट दूर है, तो 6 बजे आई थिंक हम और पहुँच जाएंगे आधे पौने घंटे में। डे लाइट होगी जब पहुँचेंगे, सो आई एम श्योर आई एम गोना गिव यू अ गुड टूर ऑफ द बीएनबी एंड द प्लेस। सो बहुत भूख लग रही है, कुछ खाते हैं फिर दोबारा मिलते हैं। सो आई थिंक 8 बज चुके हैं एंड अभी हम अपना बीएनबी ढूंढ रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है, आई थिंक 1 घंटा नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द प्लेस, बट आई थिंक फाइनली हमको जगह मिल गई है। क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है एंड थोड़ा आइसोलेटेड जगह है, एकदम लेक साइड, तो हाँ ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, बट फाइनली वी हैव रीच्ड। 8 बज चुके हैं हम, आई थिंक सुबह के 11:30-11 बजे से निकले हुए। सो दैट्स आवर बीएनबी, ये रही हमारी गाड़ी। बारिश हो रही है, एकदम ऐसा आइसोलेटेड सी जगह है, थोड़ा सा भूतिया फीलिंग आ रही है ऑफ कोर्स, बिकॉज सिर्फ हम है। ओ गॉड, देखियो ये है भी अंदर से कृष्णा कॉटेज टाइप। ये है हमारा बीएनबी, ऊपर एक रूम है, यहाँ से एंट्री है, बारिश हो रही है, एकदम ऐसा लेक और जंगलों के बीच में है, भूतिया जगह एकदम। ये रहा सामने लेक। रात को भाई साहब इतना डर लग रहा था, क्योंकि एज यू कैन सी ये प्रॉपर्टी एक तो इतनी रस्टिक है, ऐसे एकदम डियर वियर का वो लगा है, ये शैंडलियर भी जो है वो भी डियर के सीन के हैं, वो भी हाँ काइंड ऑफ, मतलब ऐसे एकदम थोड़ा स्केरी स्केरी चीज़ें हैं, प्लस एकदम ही आइसोलेटेड है, दूर दूर तक आई वोंट से हाँ देर आर मोर हाउसेज, बट थोड़ा थोड़ा दूर है। हमारा डे वन यहाँ पे इस बीएनबी में, एंड कल रात से लगातार बारिश हो रही है, तो हम ऑब्वियसली बाहर तो जा ही नहीं पा रहे, बट ऐसा लग रहा है कि बारिश रुक जाएगी वेदर फोकस में। सो हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो अवे फ्रॉम द रिजॉर्ट फ्रॉम द बीएनबी एंड हम लेक जॉर्ज जो एक्चुअल में है लेक, वहाँ जाने का सोच रहे हैं। तो रात से बारिश हो रही थी, इतना आइसोलेटेड जगह पे है ये बीएनबी, आई डोंट थिंक सो दूर दूर तक कोई घर भी है, इट्स लाइक प्रॉपर जंगल वाला एरिया, उसके अंदर ऐसा एक बीएनबी है, वुडन एकदम रस्टिक लुक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि हम 6 जने ही हैं बस, दूर दूर तक तो कोई है ही नहीं, तो रात को बाहर नहीं निकले बिकॉज एकदम सुनसान था एंड थोड़ा आते जाते एक दो डियर वियर भी देख लेते, तो डर लग रहा था कि भाई ऐसे कोई एनिमल वैनिमल ही ना आ जाए। तो अब सुबह सुबह बहुत बहुत सुंदर लग रहा है एक्चुअल में, बट बारिश नहीं रुकी तो बाहर जाने का टाइम ही नहीं लग पा रहा है। हमारी एकदम बीएनबी के सामने ही एक और एक लेक है, तो एकदम वो लेक साइड व्यू है, सो इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी एंड आई थिंक बहुत मुश्किल है ये मेंटेन करना ओनर के लिए भी, बिकॉज एवरीथिंग इज वुडन, उसका थीम ही ऐसा रस्टिक है, बहुत अच्छे अच्छे से होम डिकोर एंड शो पीसेस लगे हुए हैं जो कि थोड़े से क्रीपी और स्केरी भी हैं, बट देन येट अ वेरी गुड होम डिकोर स्टेटमेंट पीसेस। सो बेसमेंट में आके अभी मैं बेसमेंट वाली जगह पे हूँ एंड यहाँ पे रात को तो आने में बहुत डर लग रहा था जब हमने देखा कि ओके ऐसे नीचे जाके बेसमेंट भी है, जैसे होता नहीं ऐसे हॉरर मूवीज़ में बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है एकदम अंधेरा होता है, नीचे से सीढ़ियाँ जाती है, तो बिल्कुल वैसा आ गया था दिमाग में। फिर एकदम से अंकुर और संचित को हुआ कि नहीं देख के तो आए नीचे क्या है, तो हमने लाइट जला के नीचे आने की कोशिश की, तो देखा नीचे इतना सुंदर बना हुआ है ऑलरेडी, आई मीन दे हैव अ टेबल टेनिस एंड ये ऐसे इन्होंने यहाँ पे मैट्रेसेस भी लगाए हुए हैं, टीवी भी है, वॉशिंग ड्रायर एरिया पीछे है, एक बहुत सुंदर वॉशरूम
भी है, मतलब काफी सुंदर बना हुआ है। एंड यहाँ से एक और ओपनिंग है बिल्कुल लेक व्यू की, एंड यहाँ पे ये बॉनफायर एंड ऑल भी कर सकते हैं। तो जितना सोचने में ऐसा लग रहा था कि बहुत डरावना सा होगा बेसमेंट में जाके, वैसा नहीं है। तो जितना हॉरर मूवीज में देखा है वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में से हट गया कि बेसमेंट में हमेशा भूत ही होते हैं। तो अब हम बस ट्राई मार रहे हैं कहीं जाने का, लाइक आई टोल्ड यू लेक जॉर्ज जाके देखते हैं, बारिश रुक जाए बस भगवान के लिए, वरना हमारा आज का दिन भी पूरा अंदर ही निकल जाएगा। सो वी विल अपडेट यू इन अ व्हाइल। जैसे कि मैं बता रही थी, ये है पूरा बेसमेंट एरिया जो कि काफी सुंदर है यार। ऐसी बेसमेंट नहीं देखी मैंने हॉरर मूवीज में। ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं एंड ऊपर जाके हमारे इस साइड रूम्स हैं, इस साइड लिविंग एरिया है। बेसमेंट से यहाँ इस साइड जाके राइट हैंड साइड पे इज द वॉशिंग एंड ड्राइंग एरिया। यहाँ पे इज अनदर रेस्ट रूम एंड देन एक बड़ा ऐसा सीक्रेट सा रूम है यहाँ पे। तो आई डोंट इवन वॉन्ट टू गो इसके पास, थोड़ा सा डर लगता है। एंड यहाँ से ये इतना सुंदर व्यू है, बाहर वो सामने लेक है, यहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हो, बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली सब गीला हो चुका है, बट दिस इज द व्यू। Pull up at your spot, walk up on it, shoot it up. Your bitch, she on the molly, yeah, I gotta boot it up.